प्रकार के, एक तो स्वामी हम सब भगवान कहते हैं और एक स्वामी स्त्री अपने पति कहते हैं। तुमने कहा हे स्वामी, आपने पुत्री के जन्म पर कथा के लिए कहा तो करा दो, हमारे बेटी के नाम का संस्कार हो गया है, अब कथा करा दीजिए। तो क्या कहता है, अब मैं कथा जब कराऊंगा, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी करूंगा तब कथा कराऊंगा। कहा इतनी सी, अब कहा बड़े का ख्वाब देखने लगा हूं, कथा कराने भूल लगा। तो क्या कहती है कि हे स्वामी, आप बाप के भाई क्यों बनते हो, आप बाप के भाई क्यों बनते हो, क्योंकि भगवान ने हमें फल दे दिया है, पुत्री हो या पुत्र हो, मन संतान है, मन भूख बोल दी है, आपका नगरा दीजिए। नहीं कथा मैं देवी करूंगा। उसकी बेटी ऐसे पढ़ने लगी जैसे शुक्र पक्ष का चंद्रमा पड़ता है, जब उजाई जाता थी ना चंद्रमा पूर्ण होता जाता है, ऐसे ही उसकी बेटी जवान हुई 16 वर्ष की। बात हुआ 16 वर्ष की लड़की जवान हो जाती है, अपनी बेटी को सहेलियों के साथ गलियों में बगीचों में घूमते देखा व्यापारी, तो व्यापारी कहने लगा मेरी बेटी जवान हो गई है, ऐसा ना हो कभी उल्टा सीधा कदम कोई उठा दे, इससे पहले शादी कर देनी चाहिए। एक सेवक से बोला जाओ मेरी पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा वर लड़का ढूंढो। तो एक सेवक कहां गया, कंचनपुर नगर में, निकाह देगा, लड़का बहुत सुंदर था, गुणवान था, बहुत सुशील था, बहुत ही वो अपने दानी दान थे, लड़का को दिखा दिया व्यापारी को, व्यापारी बड़ा खुश हुआ लड़का देखकर, शादी तय कर दी। शादी तय करने में समय आगे शादी का धूम के साथ इतना दहेज दिया, कलावत इधर भर दिया, खूब काम भेज दिया। अब उसकी पत्नी फिर शादी कर दी बेटी, हमने अब तो कथा करवा दो। तो क्या कहता है, तुझे बड़ी जल्दी कथा की होती है, तुझे बड़ी जल्दी कथा की होती है, अब मैं कथा जब कराऊंगा जितना मैंने खर्च करा उतना मैं कमा के आऊंगा। भगवान कृष्ण होने लगे, भगवान नाराज होने लगे कि मैं दामाद के साथ जाऊंगा परदेश, वहां काम करवाऊंगा, अपने दामाद के साथ जब कमाऊंगा तो पता कराऊंगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये मेरी कथा से विमुख हुआ है, ये मेरी कथा से विमुख हुआ है, ये अपने घर में कथा नहीं करना चाहता, इसे दारू दुख प्राप्त होगा, इसे धन अवश्य मिलेगा। अपने जय माता सहित वो चल दिया रतनपुर नगर में, वहां पहुंचा, वहां क्या देखा, वहां का राजा था चंद्रकेतु राजा था, मांगा तो ससुर जमाई दोनों ससुर जमाई ने धर्मशाला ली, धर्मशाला वहां ठहरे होते कपड़े काम व्यापार शुरू करा, कपड़े का बेचने के लिए जब शुरू करा काम उन्होंने, तो भगवान का सारा पैदा होता चंद्र केतु के महल में अचानक दिन में भगवान विष्णु चोरी करा दी थी। दो चोर अंदर घुसे, जो पहरेदार थे वो निंद्रा बोझ निंद्रा यानी सुवादी ठंडा के दरवाजे अपना खुल गए, दो चोर अंदर गए धन चुराया कोट लिवाने चल दिए, महल से निकलते ही सबकी निंद्रा खुली, आंख खुली सबकी, अरे दरवाजे खुलने भंडार के महल में चोरी होगी, महल में चोरी होगी, पूरे महल में आहकार, राजा के कारों तक बात पहुंची, महाराज महल में चोरी होगी, राजा बोला आज तक मेरे महल में कोई परिंदा पर नहीं मारता, क्या चोरी कैसे होगी, जाओ इन चोर को पकड़ो, इन्हें फांसी लगाई जाएगी। अब चोर भरिए सैनिकों पीछे, उनके चोर भरे आ गए सैनिक भरे पीछे सैनिक, चोर ने मुझे देखा राजा की सेना वहां हो रही है, सैनिक पकड़े, अगर राजा की सेना को हम पकड़ लिए राजा में फांसी अवश्य लगाएगा, हमने पकड़ा राजा। तो उन्हें क्या देगा, धर्मशाला के दरवाजे खुले थे, वो दोनों सोए हुए थे ससुर जमाई, वो धर्मशाला घुस गए, उनके स्त्रियों ने धर्म को छुपा दिया, अब खाली भाग सैनिक वहां जब जा रहे थे दरवाजे से खोल देगा, तो एक सैनिक बोला तो चोर इस बार कर लिए दिखे दरवाजा खुला है, जब जाकर देखा तो वो दोनों सो रहे थे सब जमाई, और जो धोर चुराग चुराग लाए उनके पास आ पाता वो सबके भागे, वो आज जमाने में ये है
कि जिस बात सबूत पड़ेगा वो ही होगा। अब सैनिको ने वो दोनों भाई उठो भाई तुम दोनों सो भी गए, हम फर्क पीछे कर रहे हैं, तुम दोनों चोर। उनकी आंख खुलती बोलते भाई आप कौन हो? हम राज चंद्र के दो सैनिक है। अब तुमने तो महल में चोरी करी है। हमने चोरी करी, हम तो सो रहे थे। नहीं ये कथन देखा चंपा की ओर कि पोटी लगी घर की चेवर की पोटी लगी थी, तो जो उन्होंने कमाया था वो छीन लिया सारा। जो रखो पास देखे बंदी बनाकर राजा के पास देखे बोले महाराज ये लो दो चोर पकड़ लाए अग्गे दो टकरा जावे ये दो चोर के चोर लेकर भागे। राजा ने उनकी बात ना सुनी। जब बात ना सुनी राजा ने तो राजा ने कहा जाओ इन्हें कठिन कारावास में दो और कोड़ों के ऊपर मार लगाओ। अब निर्दोषी दोषी बन गई। अब पिटना शुरू हो गए। जब पिटना शुरू हो गए तो भगवान कहते हैं कि इसको दंड मिल गया, इसकी पत्नी को दंड दूंगा क्योंकि वो भी इस पाप की भागन है। चोरी करता एक है, खाता पूरा परिवार है, देख पाप के भागी पूरा परिवार बनता है। उसकी पत्नी ने बार बार कहा था कि कथा करा दो बेटी के जन्म हो गया, कथा करा दो बेटी शादी हो गई है, लेकिन व्यापारी ने सुनी बात। देख दंड क्यों मिला पत्नी को? क्योंकि पत्नी आदर की अर्धांगी होती है, जिसे फेरे होते समय बायन क्यों बैठाते हैं? तो वो बायन इसलिए बैठाते हैं जो आदर का अर्धांगी और दर्द मिलता है। वचन भगवान ने माना। तो भगवान ने कहा है इसकी पत्नी भी पाप भागी है तो घर में चोरी करा देनी। दंड क्या दिया? लगता कपड़ा पैसा नाज टका आटा कुछ नहीं घर में बचा जब चोरी हो गया। तीन दिन हो गए माँ बेटी को भूखी प्यासी थी, रोटी के लिए तड़प रही थी वो। तो माँ को देखा बेटी ने कि मेरी माता जी कमजोर हो जा रही है, तीन दिनों का अन्न धारण पेट में नहीं गया। तो बेटी क्या कहती कलावती कि मैं रोटी कहीं से मांग के लाऊंगी, मैं खाऊंगी माँ मार के जाऊंगी। तो वो कहाँ गई थी बेटी? एक ब्राह्मण के घर कि मुझे वहीं रोटी मिल सकती है। तो वहां क्या देखा? और कथा होती जैसे आप कथा करा रहे हो, हाथ जोड़ कर बैठी कथा सुनती रही। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं भूखी प्यासी में रोटी दे दूं, कुछ नहीं बोला। कथा ही शाम की रात में जा रहे प्रसाद भोग लग गया, आरती हो गई, प्रसाद वितरण होने लगा, प्रसाद बटने लगा। तो जब भी ने बोला कि भूखी प्यासी कुछ नहीं बोली, दोनों लेकर चल गई। उन्होंने कहा एक दोनों मेरी माँ के लिए दो दोनों दे दिए, प्रसाद दे दो जी प्रसाद दे दो। माँ चिंता में डूबी हुई थी कि रात 11 बजे मेरी बेटी चल रही है जाकर। तो उसने अपनी बेटी को आता हुआ देखा तो क्या कहती है कि हे पुत्री तू कहाँ गई थी? रात 11 बज रहे तो कहाँ से आई है मुझे बता। तो बेटी ने कलावती ने प्रसाद को दिखाया, प्रसाद को देखकर बोली ये क्या है, कहाँ से आई है? माता जी मैं रोटी ले गई थी, दो रोटी मैं खा लू दो मांगे जाऊंगी। मेरी माँ खा लेगा तो मैं कथा हो रही थी विष्णु भगवत कथा सुनकर आई तो प्रसाद है। माँ की आंखों में हे प्रभु मैं तेरी सुबह कथा कराऊंगी, क्या कहती रहा मेरे पति समाज जहां भी फंसे हुए उन्हें सीन किसी से तुम बात है पैसे उधार लिए केले भली गया पाटा सक्कर दूध है मिठा सब सामने मुआई और भगवान को अर्पण पूजा पाठ कराया बंधु बांधु बुलाया और भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु मेरे फल मिष्ठान सब सामग्री आपको अर्पण कर रही हूँ, इसे स्वीकार करना और मेरे मनोकामना भोग करना, मेरे दामाद पति उदीर भेज देना। भगवान ने कथा को स्वीकार कर लिया, क्यों कथा हो चुकी है। जब कथा को स्वीकार कर लिया भगवान ने तो स्वयं भगवान विष्णु चंद्र केतु के सपने में जाते हैं और कहते हैं कि हे चंद्र केतु जो तूने कैद कर रखे ना वो दामाद ससुर वो निर्दोष हैं, उन्हें मुक्त कर देना। सुबह प्रातः होते ही इतना सारा वैभव धन संपत्ति मैं तुम्हारे नष्ट कर दूंगा। इतने कहते उस सपने में तो अंदर ध्यान होगी कि आंख खुलती है, आंख खुलने पर इतना अफसोस किया कि मेरे सपने में आए दर्शन दिए मुझे भगवान ने, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला। प्रातः होते ही जल्दी पर बैठा
वहां और राजा आए थे बैठे हुए, मंत्रीगण थे, राजदोषी थे, सब हे मंत्रियों, हे राजदोषियों, हे राजाओं, मेरे सपने में भगवान विष्णु ने मुझसे कहा है कि हे चंद्रकेतु, जो तूने कैद कर रखी है ना व्यापारी सामान, मैं तो देना प्राप्त होने इंद्र सारा संपद संपत्ति महल दुबले संतान नष्ट होगा। वो क्या कहते हैं महाराज, तुम तो बस्ती गंज हुई है, उन्हें छोड़ दो, जाओ मेरे दरबार में चलो ना, दरबार में लाएंगे वो। तो बुलाने का कहना है जिसको बचाने के लिए भगवान ने मुझे दर्शन दिए सपने में, इंद्र के भक्त हैं, सम्मान किया गया, अतिथि का सम्मान किया गया। जब 5-7 दिन हो गए महल में रहते रहते पिताजी हमें घर चलना चाहिए, आपकी पुत्री हमारे साथ माता हमारा इंतजार कर रही होंगी, काफी दिन हो चुके चाहिए, तो महाराज हमें विदा कर दो, हम घर जाना चाहते हैं।